राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उज्जैन में सबसे पहले स्वच्छता मित्रों के सम्मान कार्यक्रम में पहुंची। राष्ट्रपति ने सफाई मित्र रश्मि, शोभा बाई, अनीता बाई समेत अन्य को सम्मानित किया। फिर राष्ट्रपति ने उज्जैन इंदौर वेक्सलीन रोड का भूमि पूजन भी किया। उज्जैन के रुद्राक्ष होटल में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन की इस धरती को मैं नमन करती हूं और यहां संस्कृति और सभ्यता की परंपरा सदियों से अस्तित्व में बनी हुई है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी रहा है। राष्ट्रपति ने स्वच्छता की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा उनके शहर को दी गई रेटिंग के आधार पर रुपए दिए जाएंगे। जिन शहरों की रेटिंग तय होगी वहां के सफाई कर्मियों को 1,000 रुपए मिलेंगे और 2 रेटिंग वालों को 2,000 रुपए। उज्जैन को 3 रेटिंग प्राप्त हुई है, इसलिए यहां के सफाई कर्मियों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित आज के सफाई मित्र सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं बहुत खुश हूँ। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री गौतम टेटवाल जी और श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, गणमान्य अतिथियों, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र दिव्य ज्योति शिला स्रोतम में प्रार्थना की ज्योति के अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम, अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवाधिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ऐसी पुण्य सलीला छिपरा के किनारे स्थापित ये नगरी अवंतिका, जिसका हर युग में अस्तित्व रहा है और हर काल में अपने विकास के आयामों से सदैव लोगों की उत्कर्ष की परिचायक रही है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर के जो सोचता है, जैसा सोचता है, इस मृत्यु लोक में वो सब उसके जीवन में परमात्मा दे देते हैं। इसलिए उत्कर्ष नगरी, इस नगरी का नाम एक उज्जैनी भी इसीलिए है। और आज के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, जब हमारे महामहिम उज्जैन आई हैं तो वो केवल मंदिर या विकास के काम के लिए नहीं आई, वो हमारी शिक्षा की नगरी को भी पवित्र करने आई है, जो 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा नगरी के नाते से अलंकृत एक उसका बड़ा गौरव और सम्मान है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में हमेशा पृथ्वी पर शुद्धता के नाते से काल के समय के लिए भी उज्जैनी का अपना महत्व रहा है। इसलिए काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, सबका समय नियत है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में हमारे हाथ जितना शुभ हो सकता है वो पुण्य और प्रारब्ध को अपने इस जीते जी काल में मनुष्य काया से कृतार्थ करने की नगरी भी उज्जैन है। जब इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का स्मरण करना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब यहीं से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए।